नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे। संक्षिप्त ब्रह्म अवर्त पुराण ब्रह्म खंड अध्याय 27। ब्राह्मणों के लिए भक्ष्य अवच्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निरूपण। नारद जी ने पूछा, प्रभो, गृहस्थ ब्राह्मणों, यतियों, वैष्णवों, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियों के लिए क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य, क्या कर्तव्य हैं और क्या अकर्तव्य, अथवा उनके लिए क्या भोग्य है और क्या अभोग्य। आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबके कारण हैं, अतः मेरी पूछी हुई सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, मुने, कोई तपस्वी ब्राह्मण चिरकाल तक मौन रहकर बिना आहार के ही रहता है, कोई वायु पीकर रह जाता है और कोई फलाहारी होता है। कोई गृहस्थ ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ रहकर यथोचित समय पर अन्न ग्रहण करता है। ब्राह्मण जिनकी जैसी इच्छा होती है वे उसी के अनुसार आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि रुचियों का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए अवश्य अन्न भोजन सदा उत्तम माना गया है। भगवान नारायण का उच्छिष्ट प्रसाद ही उनके लिए अभीष्ट भोजन है। जो भगवान को निवेदित नहीं हुआ है वह अभक्षणीय है। जो भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान है। एकादशी के दिन सब प्रकार का अन्न जल मल मूत्र के तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण एकादशी के दिन स्वेच्छा से अन्न खाता है वह पाप खाता है, इसमें संशय नहीं है। नारद, एकादशी का दिन प्राप्त होने पर गृहस्थ ब्राह्मणों को कदापि अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन तथा शिवरात्रि के दिन जो अन्न खाता है वह भी दूने पातक का भागी होता है। जो सर्वथा उपवास करने में समर्थ न हो वह फल मूल और जल ग्रहण करे, अन्यथा उपवास के कारण शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो व्रत के दिन एक बार हविष्य अन्न खाता अथवा भगवान विष्णु के नैवेद्य मात्र का भक्षण करता है उसे अन्न खाने का पाप नहीं लगता, वह उपवास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। नारद, गृहस्थ, शैव, शाक्त, विशेषतः वैष्णव, यति तथा ब्रह्मचारियों के लिए यह बात बताई गई है। जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य अर्थात प्रसाद का भोजन करता है वह जीवन मुक्त हो प्रतिदिन 100 उपवास व्रतों का फल पाता है। संपूर्ण देवता और तीर्थ उसके अंगों का स्पर्श चाहते हैं, उसके साथ वार्तालाप तथा उसका दर्शन समस्त पापों का नाश करने वाला है। यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियों के लिए तांबूल भक्षण निषिद्ध है। नारद, समस्त ब्राह्मणों के लिए जो अभक्ष्य है उसका वर्णन सुनो। तांबे के पात्र में दूध पीना, झूठे बर्तन या अन्न में घी लेकर खाना तथा नमक के साथ दूध पीना तत्काल गौ मांस भक्षण के समान कहा गया है। कांस के बर्तन में रखा हुआ एवं जो द्विज उठकर बाएं हाथ से जल पीता है वह शराबी माना गया है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत है। मुने, भगवान श्री हरि को निवेदित न किया गया अन्न, खाने से बचा हुआ झूठा भोजन तथा पीने से शेष रहा झूठा जल, ये सब सर्वथा निषिद्ध हैं। कार्तिक में बैंगन का फल, माघ में मूली तथा श्री हरि के शयन काल अर्थात चौमासे में कलम्बी का शाक सर्वथा नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद ताड़, मसूर और मछली ये सभी ब्राह्मणों के लिए समस्त देशों में त्याज्य हैं। प्रतिपदा को कूष्मांड अर्थात कोहड़ा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वह अर्थ का नाश करने वाला है। द्वितीया को बृहती अर्थात छोटे बैंगन अथवा कटहरी भोजन कर ले तो उसके दोष से छुटकारा पाने के लिए श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है, अतः उस दिन उसे नहीं खाना चाहिए।
चतुर्थी को भोजन के उपयोग में लाई हुई मूली धन का नाश करने वाली होती है। पंचमी को बेल खाना कलंक लगने में कारण होता है। षष्ठी को नीम की पत्ती चबाई जाए या उसका फल या दांतुन मुंह में डाला जाए तो उस पाप से मनुष्य को पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाया जाए तो वह रोग बढ़ाने वाला तथा शरीर का नाशक होता है। अष्टमी को नारियल का फल खाया जाए तो उससे बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी और दशमी को कलम्बी का शाक सर्वथा त्याज्य है। एकादशी को शिम्बी अर्थात सेम, द्वादशी को पूतिका अर्थात पोई और त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। मांस सबके लिए सदा वर्जित है। पार्वण श्राद्ध और व्रत के दिन प्रातः काले के स्नान के समय सरसों का तेल और पकाया हुआ तेल उपयोग में लाया जाए तो उत्तम है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल के तेल का सेवन निषिद्ध है। सभी वर्णों के लिए दिन में अपनी स्त्री का भी सेवन वर्जित है। रात में दही खाना, दिन में दोनों संध्याओं के समय सोना तथा रजस्वला स्त्री के साथ समागम करना ये नरक की प्राप्ति के कारण है। रजस्वला तथा कुलटा का अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म ऋषि शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। ब्राह्मण शूद घोर और गणक का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अग्रदानी ब्राह्मण अर्थात महापात्र तथा चिकित्सक अर्थात वैद्य या डॉक्टर का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। अमावस्या तिथि और कृतिका नक्षत्र में द्विजों के लिए छौर कर्म अर्थात हजामत वर्जित है। जो मैथुन करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है उसका वह जल रक्त के समान होता है तथा उसे देने वाला नरक में पड़ता है। नारद, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, जो भक्ष्य है और जो अभक्ष्य है, वह सब तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो? संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म खंड अध्याय 27 संपूर्ण। जय राधा माधव।